सोमनाथ जिल्लानु सौथी मोटू डिमोलिशन सोमनाथ मंदिर अने सर्किट हाउसनी पाछळनी साइडमां हाथ धरवामां आव्युं छे। समग्र विस्तारमां 50 जेसीबी द्वारा दबाण दूर करवामां आव्युं छे अने तमाम बांधकामनो मलबो पण युद्धना धोरणे हटावामां आव्यो छे। हाल एसपी कलेक्टर सतत त्यां स्पोट पर रही कामगीरी करी रह्या छे अने हवे दबाण दूर करायेला विस्तारमां फेनेसिंगनी प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी छे। आश्रे 320 करोड़नी लगभग 100 एकर जमीनमां फेसिंग करवामां आवी रह्युं छे। छेल्લા બે દિવસથી આ વિસ્તારના તમામ રોડ રસ્તા ઉપર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે અને અવરજવર પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે। સોમનાથમાં જો ડિમોલિશન અભી ચાલ રહા હૈ વો 28 તારીખ કો અર્લી મોર્નિંગ સુબહ 4:30 બજે હમને સ્ટાર્ટ કિયા થા। ટોટલ 1400 પોલીસ એન્ડ 7 કંપનીઝ ઓફ એસઆરબી વોઝ ઇનવોલ્વડ ઇન ધીસ એન્ટાયર ઓપરેશન। और अभी तो डिमोलिशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, जो बाकी का जो मलबा है वो उठाने की प्रक्रिया चल रही है। खास करके ये जो डिमोलिशन है, अभी नवरात्र भी आने वाले, लोगों को क्या मैसेज देंगे, कितने लोगों को अरेस्ट किया था और सोशल मीडिया के लिए आप क्या मैसेज? We have arrested 150, more than 150 people in this entire operation. एंड सोशल मीडिया के लिए हमारी सेपरेट टीम्स स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और पुलिस स्टेशन लेवल पे चल रही है। ये अरेस्टेड अराउंड 8 पीपल, राउंडेड अप 8 पीपल फॉर दिस सोशल मीडिया वायोलेशन। और अभी ये प्रक्रिया चलेगी लंबे समय तक। खास करके नवरात्र आने वाला है, क्या करना है? हमारी बंदोबस्त की तैयारी है, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। 102 एकड़ जगह जो थी वो पूरी अतिक्रमित हुई थी। यहाँ पे 9 जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स से बड़े और 45 बड़े स्ट्रक्चर्स थे जो मुसाफर खाना के में उपयोग हो रहे थे, और छोटे टीम सेट के भी कई ज्यादा इसमें रूम्स थे। वो पूरी जो ड्राइव है, पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद, कानूनी प्रक्रिया में तो उसका पूरा हमने मेजरमेंट भी सरकारी महकमे से करवाया और उसके बाद उसका डिमार्केटेड उसको कर दिया, लोगों को समझूत किया कि आप एंट्रोच एरिया में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद उनको हमारी जो लैंड कोड है उसके अंदर हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वेरावन ने उनको एक नोटिस भी दिया इस जगह खाली करने के लिए और 15 दिन का उनको टाइम दिया। 15 दिन में खाली ना होने से हमारे तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ जितने भी ये एनकोचर्स थे उनको साथ में रख के पूरा हमने पंचनामा करवाया और उनको समझाया कि भाई 24 घंटे में ये जगह खाली करनी है। उस पंचनामे में उनका सिग्नेचर भी हमने लिया हुआ है। उसके बाद भी इन्होंने खाली नहीं किया, उसकी वजह से 28 तारीख सुबह 5:30 बजे हमने ये रिवोल्यूशन स्टार्ट किया और हमने ये काम पूरा कर लिया है। पूरा ये एरिया खाली हो गया है, डेब्रिज भी निकाल दिए। अब जो आप एक घंटे का काम हमारा बाकी है वो खाली लेवलिंग का है उसका ही है। उसके बाद ये टायर फेंसिंग भी पूरी हो जाएगी और ये संपूर्ण प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी।